ज्यादा जानकारी के साथ कोटद्वार से हमारे संवाददाता बलविंदर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बलविंदर, पुलिस ने कहां से और किस वक्त अवैध शराब जब्त की है? जी, मैं आपको बता दूं कि ये पहाड़ से दुगड्डा की तरफ, कोटद्वार की तरफ लाई जा रही थी, जिसको जो है पुलिस ने दुगड्डा चेक पोस्ट पर रोक कर चेकिंग की तो उसमें शराब की पेटियां निकली। तो कहीं ना कहीं कोटद्वार में जो है शराब का बहुत ज्यादा बोलबाला इस समय है, जिसको लेकर लोगों में बहुत ज्यादा रोष है। जी बलविंदर, जैसा कि आपने बताया कि कोटद्वार में नशा तस्कर पूरी तरीके से सक्रिय हैं, अवैध शराब की तस्करी जोर पकड़ रही है। इससे पहले हमने देखा था कि पुलिस ने नशा तस्करों पर नकेल कसने के लिए तमाम अभियान चलाए थे, लेकिन वजह क्या है कि वो सभी अभियान धरातल पर विफल लागू हो रहे हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं जो शराब, अवैध शराब की तस्करी कर रहे हैं, इनके संबंध जो है रसूखदार लोगों से होने के कारण भी पुलिस लगता है कि जो लोगों की, जिस तरह के लोगों की सोच है, लोग बता रहे हैं कि जो बड़े रसूखदार लोग, उनसे संबंध होने के कारण पुलिस पर काफी दबाव है, जिसके चलते जो है कार्रवाई पूरी तरह से नहीं हो पाती। छोटे मोटे जो तस्कर हैं उनको पकड़कर पुलिस जो है अपनी पीठ थपथपाती है। जी तो बलविंदर, क्या लगता है कि रसूखदारों को किसी का संरक्षण मिला हुआ है? जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जो ये इस तरह के माफिया होते हैं, अवैध शराब की बिक्री कर रहे हैं, ये लोग अपने रास्ते बनाकर रखते हैं, जिससे कि इनको कोई रोक ना सके, इन पर जल्दी से कोई हाथ ना डाल सके। इनके बहुत ऊपर लेवल तक इनके संबंध होते हैं, जिसके चलते जो है पुलिस भी इन पर कार्रवाई करने में डरती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बलविंदर सिंह तमाम जानकारी के लिए।